स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने आज प्रेस वार्ता में आगामी 18 से 23 नवंबर 2024 तक नई दिल्ली में होने वाले स्पेशल ओलंपिक एशिया पैसिफिक बोची और बॉलिंग प्रतियोगिता की घोषणा की, साथ ही अपनी नई जर्सी का अनावरण किया और शिवानी के नाम की घोषणा स्पेशल ओलंपिक भारत के ऑफिशियल एथलीट एम्बेसडर के रूप में की है। ये कार्यक्रम द ललित नई दिल्ली में आयोजित किया गया। प्रेस वार्ता के दौरान स्पेशल ओलंपिक के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा ने अपने विचार साझा किए और प्रतियोगिता से संबंधित कई अन्य घोषणाएं भी की। ये प्रतियोगिता वैश्विक स्तर पर भारत में आयोजित होने वाली इस तरह की पहली प्रतियोगिता है जो 22 साल और उससे ज्यादा उम्र के बौद्धिक और दिव्यांग वरिष्ठ एथलीटों पर ध्यान केंद्रित करता है। इस प्रतियोगिता से उन सीनियर एथलीटों को खास मौका मिलेगा जिनकी खेलों में भागीदारी उम्र बढ़ने के साथ कम हो जाती है। इस प्रतियोगिता में 12 देशों से 100 से ज्यादा अधिक एथलीट हिस्सा लेने जा रहे हैं जो 3 अलग अलग क्षेत्रों पूर्वी एशिया, यूरोप और एशिया पैसिफिक से हैं। यह स्पेशल ओलंपिक भारत के लिए भी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है क्योंकि यह टेनपिन फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ साझेदारी में गेंदबाजी को एक प्रतिस्पर्धा खेल के रूप में सामने लेकर आता है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान स्पेशल ओलंपिक भारत के अध्यक्ष डॉक्टर मल्लिका नड्डा और डॉक्टर अमित भल्ला भी मौजूद रहे। इस प्रेस वार्ता में क्या कुछ कहा उन्होंने, चलिए आपको सुनाते हैं। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के माध्यम से जहां हम सब ने पैरा ओलंपिक्स और स्पेशल ओलंपिक्स में क्या फ़र्क है इसको बताने का प्रयास किया है, वहीं हमारे सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में जब स्पेशल ओलंपिक्स के विशेष खिलाड़ियों के बारे में उन्होंने बताया और लोगों से आग्रह किया कि वो उनसे मिले और बर्लिन वर्ल्ड समर गेम्स के जो खिलाड़ी थे, जो मेडल लेके आए थे, उनका सम्मान हो, तो मुझे लगता है पूरे देश में ये एक मैसेज क्लियर गया कि स्पेशल ओलंपिक्स की जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादातर मानसिक दिव्यांगता से ग्रसित खिलाड़ियों के लिए है और इन खिलाड़ियों को ट्रेन करना और इनको खेलों के माध्यम से इनके जीवन में परिवर्तन लाना, ये स्पेशल ओलंपिक्स भारत का उद्देश्य है। और इंक्लूजन रेवोल्यूशन, इसकी बात स्पेशल ओलंपिक्स करता है कि समाज की मुख्य धारा में ऐसे खिलाड़ियों को जोड़ते हुए परिवर्तन लाना और आगे बढ़ना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। मैम, अभी तक कितने ऐसे खिलाड़ी हैं जो टोटल इसमें हैं और कितने ऐसे हैं जो अभी तक मेडल लेके आ चुके हैं, या और आपका टारगेट कितना रहेगा कि इतने अब हम और इसमें जोड़ सकते हैं? स्पेशल ओलंपिक्स भारत एक फेडरेशन के तौर पे पूरे देश में कार्य कर रहा है। हमारे 17 लाख एथलीट्स स्पेशल ओलंपिक्स के साथ रजिस्टर्ड थे कोरोना के पूर्व। कोरोना के पश्चात हमने डिजिटली 2 लाख एथलीट्स को रजिस्टर किया है और इन रजिस्टर्ड एथलीट्स के लिए जहां हमने हेल्थ कैंप्स का आयोजन किया है और हेल्थ कैंप्स के माध्यम से इनके स्वास्थ्य की चिंता की गई है, इनके फिटनेस की चिंता की गई है, वहीं इनको खेलों में आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। और लेह लद्दाख, कारगिल, बारामुल्ला, श्रीनगर जैसे रिमोट प्लेसेस में भी स्पेशल ओलंपिक्स भारत ने हेल्थ कैंप्स के माध्यम से ऐसे खिलाड़ियों को जोड़ा है। आगामी खेलों में और आगामी वर्षों में हम अधिक से अधिक ग्रास रूट लेवल तक अपने कार्यक्रम को ले जाने का प्रयास कर रहे हैं। अभी तक 1500 एथलीट्स हमारे वर्ल्ड गेम्स के चैंपियंस बन चुके हैं और मेडल्स ला चुके हैं, तो मुझे लगता है वर्ल्ड गेम्स के माध्यम से इनको रिकॉग्निशन ही नहीं, इनको एक पहचान मिलती है और इनको एक स्थान समाज में प्राप्त होता है जिसके लिए हम कार्य कर रहे हैं। हमें एक सवाल है कि इस तरीके के अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में जब भागीदारी लेते हैं तो एथलीट के पूरे लाइफ में, उनकी कम्युनिटी में कितना चेंजेस आपने देखा या प्रभाव, ऐसा कोई स्टोरी हो जो अभी हमारे बीच में शिवानी एक ज्वलंत उदाहरण है कि जो हमारे ऐसे एथलीट्स वर्ल्ड गेम्स तक जाते हैं उनमें जहां एक नई प्रकार का जोश, उत्साह और एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं,
ये सबसे बड़ी बात होती है, इनमें कॉन्फिडेंस लाना, और कॉन्फिडेंस के साथ वो जीवन में आगे बढ़ते हैं और इनको निरंतर स्पेशल ओलंपिक्स के माध्यम से जहां मेंटरिंग होती है वहां एथलीट लीडर्स के नाम से भी हम ये कार्यक्रम चलाते हैं, पेरेंट्स फोरम के माध्यम से इनको जोड़ने का प्रयास करते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत के अनेक कार्यक्रम हैं जिसके माध्यम से हम परिवार को और स्पेशल एथलीट्स को किसी न किसी कार्यक्रम में इन्वॉल्व रखते हैं, एक्टिव रखते हैं और इनका पार्टिसिपेशन बढ़ाने का प्रयास करते हैं। एशिया पैसिफिक कंपटीशन के बारे में थोड़ा बताइए। अभी जैसे मैंने कहा, एशिया पैसिफिक रीजनल गेम पहली बार देश में आयोजित हो रहा है और इसमें 17 से 23 तक ये इवेंट आयोजित हो रहा है। 18 को ओपनिंग है और इस कार्यक्रम में हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी उपस्थित रहेंगे हमारे एथलीट्स को मोटिवेट करने के लिए, इन खेलों को प्रोत्साहित करने के लिए। और इसके साथ ही क्लोजिंग 22 को होगा। क्लोजिंग के साथ हमारे 15 देशों के जो एथलीट्स यहाँ आने की संभावना है उसमें से 12 देश कन्फर्म हो गए हैं और 350 एथलीट, कोचेस, उनके पेरेंट्स और ऑनर्ड गेस्ट इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए भारत में आएंगे। और मुझे आशा है कि हम अपने कार्यक्रम को एक अच्छी प्रस्तुति दे सकेंगे जिससे कि नेक्स्ट वर्ल्ड गेम्स स्पेशल ओलंपिक्स का हमारे देश में हो सके, और इसी आशा के साथ स्पेशल ओलंपिक्स भारत कार्य कर रहा है। स्पेशल ओलंपिक्स भारत के द्वारा रखी गई जो हम कंपटीशन होस्ट कर रहे हैं इंडिया में, एशियन कंपटीशन बॉची और बॉलिंग का है। अहम बात अगर मैं बोलूँ स्पेशल ओलंपिक्स भारत की, वो सबसे अहम ये है कि इस पूरी संस्था का जो भाव है किसी भी काम को करने का, वो भाव बहुत ही प्योर है। एथलीट्स को मौका देना, परिवार के साथ उनकी जर्नी में साथ आना, सक्सेस स्टोरी क्रिएट करना एथलीट के लिए, स्पोर्ट्स के थ्रू आप उसको कैसे एम्पावर कर सकते हैं, कॉम्पिटिशन्स में कैसे ले जा सकते हैं। जब एक कभी किसी के परिवार में एक बच्चा आता है जो स्पेशली एबल्ड होता है तो वो ये सोचता है कि आगे क्या जी। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत आपको उस आगे का क्या का आंसर देता है, उसका उत्तर देता है। बिल्कुल सर, जो अभी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, जो गेम ऑर्गेनाइज होने वाले हैं, क्या कुछ अहम रहने वाला है उसका? इसमें 12 देशों से टीम पार्टिसिपेट कर रही है और पहली बार हिंदुस्तान में हम इसको होस्ट कर रहे हैं। और बॉची और बॉलिंग दो इवेंट हैं जिसमें बच्चे पार्टिसिपेट करेंगे, एथलीट पार्टिसिपेट करेंगे। और 9 तारीख को एक इंक्लूसिव रन, जैसे आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक परफॉर्मेंस देखी होगी, दो भाई हैं, एक स्पेशल है, एक नॉर्मल चाइल्ड है, वो किस तरीके से उसको अपने साथ लेके चल रहा है। सो इंक्लूसिव रन ऑर्गेनाइज कर रहे हैं डेमोंस्ट्रेट करने के लिए कि मैं एज एन इंडिविजुअल किस तरीके से स्पेशल एथलीट को सपोर्ट कर सकता हूँ। सो मेरा पर्सनल ये मानना है कि अगर कोई एक स्पेशल एथलीट है तो उसको एक स्पेशल वर्ल्ड चाहिए और वो स्पेशल वर्ल्ड आपसे और मेरे से बनेगा। वो तो स्पेशल है ही है, आप और मैं कैसे स्पेशल बनेंगे। तो स्पेशल ओलंपिक्स भारत की मुहिम है कि हम इस मिशन को, इंक्लूसिविटी को आगे बढ़ाएं, खेल के ज़रिए से सक्सेस दिखाएं, बिकॉज खेल एक ऐसा जरिया है जिसमें आप अपनी ट्रेनिंग, एनर्जी और सक्सेस सेलिब्रेट कर सकते हैं। खेल को टूल यूज करते हुए एक इंक्लूसिव वर्ल्ड की तरफ हम बढ़ना चाहते हैं। स्पेशल ओलंपिक भारत में, जैसे कि आपने कहा कि 12 देश शामिल हो रहे हैं, क्या क्या गेम्स इसमें रखी जाएंगी और क्या कुछ अहम इस बार बच्चों के लिए का, या सिर्फ गेम होंगे या कुछ और प्रोग्राम्स भी ऑर्गेनाइज किए जाएंगे? इस बार दो इवेंट है, बॉची और बॉलिंग, और इसके अलावा एक हेल्दी एथलीट सेशन होता है, पूरा एक दिन का कॉन्फ्रेंस होती है, वो होगी, कैंप होगा। एक हम इसके साथ साथ कार्निवल अरेंज कर रहे हैं जो हेल्दी एथलीट के साथ भी जुड़ेगा, और जो हमारे जो एथलीट पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए, जिनको हम इंडियन कल्चर भी दिखाना चाहते हैं, जो तो बाहर से आ रहे हैं कि हमारा भारत देश में क्या क्या कल्चर है, फूड, आर्ट, कल्चर, डांस, म्यूजिक, ये सारी चीज़ भी होगी उसमें। कुछ डिस्प्ले होगा जो हमारे स्पेशल बच्चों के द्वारा बनाया हुआ सामान होता है। सो इट विल बी अ फेस्टिवल एंड अ कार्निवल which will be celebrated त्यागराज स्टेडियम में। कर कितने लोगों का मैनेजिंग है? हमारा रोज का फुटफॉल हम एक्सपेक्ट करते हैं, वहाँ 7 से 8 हज़ार लोग रोज आने चाहिए।
क्योंकि स्कूल्स में भी बहुत स्कूल्स ऐसे हैं जो साथ जुड़े हुए हैं। अभी तो मुहिम स्टार्ट हुई है आज, आशा करते हैं कि आप लोग मीडिया के माध्यम से इसको और प्रमोट करोगे तो हमें शायद इसकी कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी, हम बढ़ाना चाहेंगे। क्या क्या फैसिलिटीज होंगी आम पब्लिक के लिए? आएंगे, गेम देखेंगे और कार्निवल के बारे में समझेंगे, एक स्पेशल वर्ल्ड को देखेंगे कैसा होता है। जब तक आप किसी एथलीट से मिलते नहीं हैं तब तक आप एप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं, सो इसकी एप्रिशिएशन है और नो हाउ है जैसे जुड़ना चाहते हैं, बिकॉज एक वॉलंटियर बेस्ड प्रोग्राम भी हमारे पास है, बहुत सारे वॉलंटियर्स जुड़ते हैं जो काम करना चाहते हैं, कई पेरेंट्स हैं जो SOB के साथ काम करते हैं, कभी इवेंट होता है तो वो वॉलंटियरिंग करते हैं हमारे साथ, तो सबके साथ मिल के चलने का प्रयास रहेगा। स्पेशल ओलंपिक भारत अब दिल्ली में होने वाला है, तो क्या मैसेज आप लोगों को देना चाहेंगे कि आपसे जुड़े? ये इवेंट जो दिल्ली में होने वाला है, इसमें मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जब आप अपनी तरफ से एक इंक्लूसिव समाज का हिस्सा बने, हम ये ना सोचें कि मेरे परिवार में कोई स्पेशल बच्चा नहीं है तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अच्छे समाज को बनाने की है, तो अच्छा समाज तभी बनेगा जब हम सारे मिलकर उसमें जुड़ेंगे, और इंक्लूसिव सोसाइटी ही भविष्य है।